कैसे हो आप लोग? बेहतरीन। आज तो सारे चोर यही इकट्ठे हो गए। क्या चोरियां करते हैं यार, ऐसी चोरी की पूरे दुनिया का दिल चुरा लिया डांस कर करके। वाह वाह वाह, क्या बात है। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, सोफे को दिमाग भी लग गया। अच्छा धर्मेश, आप लोगों की बात ही अलग है सर, क्या डांस करते हो आप लोग। सर यार तुम एक बात बताओ, तुम इतने स्लो क्यों हो भाई? ये तो पैदा भी 18 महीने का हुआ होगा। 9वें महीने में सब करूंगा आ रहा है, आ रहा है, चल पड़ा, आ रहा है, बस पहुंचने वाला, आ रहा है, पता करो कहीं और तो नहीं हो गया। वो धोखेबाज सर है, वो धोखेबाज है। मारो इसे, इतनी कमीना धोखेबाज, जिंदा नहीं रहने दूंगी तुम्हें। शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे ये ऐसी औरतें ना बिलाव जो शोर करके ना छापा पड़वा देती है। भाई कसम, अबे क्यों शोर कर, क्या बंदर तुम्हारी कुल्फियां छीन गया क्या? क्या हुआ, क्या है? कितनी बकवास करते हो तुम। हेलो रेमो सर, कैसे हो आप? आपको पता है हमने इतना ढूंढा आपका नंबर, हमें नहीं मिला। फिर हमने धर्मेश सर का नंबर ढूंढा, वो भी नहीं मिला। हमने जगह जगह दीवारों में छिपकलियों से कॉकरोच का नंबर मांगा, वो भी नहीं मिला। फिर उसके बाद है ना, हमने मजबूरी में आके इसको हमारा डांस गुरु रख लिया है। रख लिया, मैं काम वाली बाई हूँ। अरे धर्मेश सर, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जहाँ जुआ चलता है वहाँ ढूंढा, मटका चलता है वहाँ ढूंढा, यहाँ तक कि जो पुल के नीचे चरसी बैठे होते हैं ना, उनको भी उठा उठा के देखा। पकड़ लिया, पकड़ लिया। वहाँ पर भी नहीं मिले। अबे सही बता, धर्मेश को ढूंढने गई थी, अपना अब्बा ढूंढने गई थी। का अब्बा बहुत बड़ा नेस्ती है भाई। मैंने बोला चाचा दुनिया में क्यों आए हो? कह रहा बेटा चरस खत्म करने आया हूँ। मैंने कहा कैसे? कहता पी पी के। दीदी तुम इसकी बकवास क्यों सुन रही हो? पुलिस को फोन करो, पकड़वाओ इसको पुलिस में। पुलिस से क्यों पकड़वा रही है? दोनों बहनें मिलके पकड़ लो मुझे। तुम्हारा टैटवा पकड़ ले। हाँ तुम्हें तो हम पुलिस से पकड़वाएंगे। पता है रेमो सर, इसने ना हमें धोखे से अपनी डांस एकेडमी में एडमिशन दिलाई है। हमको बोला था मैंने सबको डांस सिखाया, कुछ नहीं किया इसने। अरे बड़े बड़े डांस सिखाए लोगों को, माइकल जैक्सन को मैंने सिखाया डांस। माइकल जैक्सन को तुमने डांस सिखाया? यकीन नहीं है? नहीं। ऊपर जाओ पता कर लो, सो जाओ। कोई जिंदा ये बताओ, इंडिया में किसे सिखाया तुमने? गणेश आचार्य को किसने बनाया? तुमने बनाया? कैसे बनाया तुमने? इतना सारा मिट्टी लिया, पहले मुंह बनाया, बज गया, फिर पेड़ बना दिया। फिर उसके दो लाते बनाई, दो हाथ बनाए, चल पड़ा वो। अरे यार पता है, इससे अच्छा ना हम कॉकरोच से ही सीख लेते। हमको एटलीस्ट फॉरेन ट्रिप्स के वीजा तो मिल जाते। वो वीजा दे रहा था, उसका अपना मुंह वीजे के मोहर जैसा है। ये क्यामत तक जिंदा रहेगा। तुम्हें कैसे पता? यमराज को ऊपर वाला भेजेगा, जाओ जान निकाल के आओ। वो आएगा वापस चला जाएगा, बोला डाला क्या जो निकालू। वैसे तुम इतने बड़े डांस गुरु हो, कॉकरोच की तरह डांस करके दिखाओ। हाँ। मैं? हाँ। माफ करना यार, तुमसे अच्छा कर जाओ तो माफ कर देना। ये क्या कर रहे हो? ये कॉकरोच उल्टा हो गया। जोरदार तालियां शकील, पूजा और श्रुति के लिए। शकील जी मेरे साथ, आपको पता यूरोप गए थे हॉलीडेज में। डॉक्टर डॉक्टर, हम लौट गए, बर्बाद हो गए, मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज उसे बचाइए डॉक्टर। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? अरे डॉक्टर, कौन है, कौन है? कौन? अच्छा खासा मैं ऑपरेशन थिएटर में मरीज खोल लिया, बंद नहीं हो रहा मेरे से, बताओ। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर भी हूँ, कंपाउंडर कम डॉक्टर। मैं अपने डॉक्टर साहब का हाथ बढ़ाता हूँ मरीज मारने के लिए। क्या? बचाने में, बचाने में। अरे प्लीज मेरी बहन को बचा लो। मतलब ये इसने क्या जहर पिया है? नहीं, उससे भी बदतर। अच्छा बॉयफ्रेंड भाग गया है तो उसका इलाज है मेरे पास। जितने दिन बॉयफ्रेंड नहीं आता मैं इसके साथ रह लूंगा बस। कुत्ते की मौत नहीं मानना चाहती, बेहोश हो गई है, उसको बचाओ, उठाओ उसे। अबे मुझे बता, मुझे क्या ख्वाब आते हैं, इसको हुआ क्या है? अरे पता है कल ना पूरे दिन रफ्तार के गाने सुन रही थी, उसको लगा वो ऋतिक रोशन जैसा होगा। सुबह उठकर गूगल पे उसकी फोटो देखी, अपना लैपटॉप सिर पे फोड़ के बेहोश हो गई है। रफ्तार को
देख लिया? हाँ। काहे का रफ्तार, अपने मुंह के खिलाफ नाम रखा हुआ रफ्तार। ये तो इतना सुस्त है, अकेला भागता फिर भी सेकंड आता है। काहे का रफ्तार बताओ, इसके घर अब 3 महीने से कोई गाने नहीं गाया, इसके घर में तो नलका है, उसमें पानी नहीं आता, हवा आती है। लेट के सोता ही है। क्यों? बिजली के देने के पैसे नहीं होते, बिल कहाँ से देगा? जब के पास खून जाती है ना, उसमें जेब नहीं सिलवाता। क्यों जेब क्यों नहीं सिलवाता? ऐसे होंगे तो सिलवाएगा ना, क्या पीठ पत्थर रखेगा क्या? अच्छा आप मेरी बहन को उठा दो। अच्छा सुबह काम पे जाना, इसने उठो। इलाज इलाज। नहीं नहीं नहीं, कितना बुरा उठी है देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। अरे आपने ऐसा क्या कह दिया कि झट से उठ गई? मैंने कहा अभी तो तुमने रफ्तार को गूगल पे देखा है, कभी तू श्री शांत को नहाते हुए देख ले खाली। आप बकवास कर रहे हो, आपको पता है ये रफ्तार की बहुत बड़ी फैन है। बड़ी फैन हूँ रफ्तार। अरे बहुत बिजी आदमी भाई, 5 सेकंड का टाइम नहीं उसके पास। इतना बिजी है, इतना बिजी है, तौबा। हनी सिंह के गाने में 1.5 सेकंड परफॉर्म करता है ये। अब तो वो गाना भी नहीं मिल रहा इसको, क्योंकि हनी सिंह खुद कहीं 1.5 सेकंड परफॉर्म कर रहा है। अच्छा ठीक है कंपाउंडर जी, आपने मेरी बहन को ठीक कर दिया, हम चलते हैं। ये ना करो, अभी ये क्या बात हुई, अब मुझे ठीक करो। ये ना करो, मैं तेरा एहतियात तो बता दूं। एहतियात क्या एहतियात? तुम किसकी फैन हो? मैं वैसे तो रफ्तार की फैन हूँ, पर मैं श्रीशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको पता है मैं गले में उसकी फोटो डाल के घूमती हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ मैं इसकी। अच्छा ये क्या है? इसका इलाज है एहतियात है? क्या पर है? आपने तो इसमें पागल खाना लिखा है। यही इलाज है इसका। क्या मतलब? ऑल फॉल बकरी, इसको आगरा में जमा कराओ भाई। श्री शांत वो खुद फैन है किसी का, इसके घर में शीशा लगा हुआ है ना। हाँ। ये कंगा जहाँ करता है। हाँ। विराट कोहली की फोटो लगाई हुई है, धड़ इसका होता है, मुंह उसका देखा करता, बहुत अच्छा खेल रहा भाई, तो बहुत अच्छा खेल रहा है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मेरा तो छोटा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है सर, क्या करे, बच्चा है, मासूम है, फरिश्ता है। समझाऊंगा, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, बच्चे ही फैन है, कोई बड़ा फैन नहीं है? अब्बा मेरा बहुत बड़ा फैन है, पागल है, कपड़े ही नहीं पहनते। हाँ डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हारा अब्बा उस दिन ठीक होंगे जिस दिन वो कहेंगे मैं श्रीशांत को नहीं जानता, समझना अब्बा ठीक हो गया। बकवास मत करो, वो बहुत अच्छा काम करता है, पता है झलक में कितना अच्छा डांस किया था उसने। हाँ, झलक में टाइटल इसी का था। हाँ। झलक ये आया जिप करके निकल गया। बट एनीवेज जो भी है, मैं चाहती हूँ श्रीशांत वापस से ग्राउंड में आए, वापस से खेले। सब आए, सबको बोल्ड करे और बोलने वालों को भी बोल्ड करे। देखना वो ग्राउंड पर जरूर आएंगे, और ये जो रफ्तार है ना, ये भी बहुत दिन फ्री नहीं बैठने वाला। क्या करेगा ये, चीयर लीडर बन के नाचेगा। दीदी तुम एक भले इंसान के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो, देखो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम भूखी मरोगी। अरे भूखे रहने से कोई मरता थोड़ी, अगर ऐसा होता तो ये लोग बैठे होते क्या यहाँ पे? क्या मतलब? अरे आपको तो मैं पहचानता हूँ सर, नहीं कसम से, आप अनिल कपूर के भतीजे, बोनी कपूर के बेटे, सलमान खान ने टिप दी थी पतले होने की। नाम हाँ लिख के दिया था मुझे, अर्जुन कपूर। देखिए मुझे कहा अभी कि पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया है। कितना पतला, सो हैंडसम, व्हाट अ हैंडसम हॉम। आपको अजीब नहीं लग रहा कि मैं आपकी बीवी हूँ और मैं दूसरे आदमी पर लाइन मार रही हूँ? इसमें मेरे में क्या फर्क है भाई, उनको हैंडसम कह रही है। ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी इंसल्टिंग, इन्होंने आज पूछा कि इनमें और मुझमें कितना फर्क है। फर्क ये है कि जब वो स्क्रीन पर जो करता है ना, वो आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। क्या किया मसलन? मसलन टू स्टेट्स में आलिया भट्ट के साथ क्या रोमांस किया है इस आदमी ने? सर आप जन्नत में जाओगे। सर मैं जन्नत जाके आ गया वापस। बगैर दिमाग वाली लड़की को प्यार सिखा दिया आपने। अपनी बकवास करते रहो। हाँ। वो बेचारी माही विच सोची होगी मैं यहाँ क्यों आई हूँ। माही धोनी भी आया क्या? अरे धोनी नहीं, मा
माही विज, माही विज। हाँ, जिसके लिए परसों सारा स्टाफ इंग्लिश में बोला था, विच माही, विच माही। अरे बाबा, तुम पिटाई करवाओगे क्या? अब उसे तो पहचानते हो ना, तनीषा। अरे इनको कौन ही जानता है, इतनी टैलेंटेड हीरोइन की बहन है काजोल की। अरे अच्छा देखो, वो सना सईद है, वो ऐश्वर्या सखुजा, पहचाना सबको? पहचाना, ये लाश है क्या, इनको क्यों पहचानो? अबे वाह भाई वाह भाई, कमाल हो गया। देखो यार, अर्जुन कपूर के साथ आड़ा टेढ़ा माल पैक करके भेज दिया। इसको बोलते हैं पैकिंग अच्छी है, कोई माल देखता नहीं फिर। तुम पिटोगे पिटोगे, सबके सब ये खतरों के खिलाड़ी हैं। मेरे से बड़े नहीं होंगे। अच्छा, तुमने कौन से खतरे मोड़ लिए? जिसकी दो बीवी हो उससे ज्यादा खतरा होगा किसी को? दो बीवियां खतरों का खिलाड़ी, इनकी तो शादी नहीं हुई, इनको बोले एक शादी करें, खतरा उधर पड़ा होगा, खिलाड़ी उधर पड़ा होगा। और एक साल बाद एक खिलाड़ी पैदा होगा, फिर वो खेलने नहीं देगा। आ रहा है, लग रहा कोई तराना है क्या, कोरस है क्या, हैंडसम हंग, मैं पी के आई हूँ भंग। तुमने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हें पता है जिंदगी, तूने मेरी नींद खराब कर दी, मेरी करवटें खराब कर दी। एक करवट लेता हूँ ये दिखती है, दूसरी करवट ये दिखती है। मैं पहला दुनिया का पति हूँ जिसकी दो बीबियां पंखा दे के सोता है। बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? बहन, हम दोनों के अलावा इसका बाहर भी चक्कर चल रहा है। ये लो, इनके जैसे लोगों के और भी चक्कर चलते हैं। इसकी बात यकीन करिए, शकी औरत, इसकी तुझे पता है इसकी दूसरी शादी है। हाँ। इसकी पहली शादी तलाक क्यों हुई बताओ अर्जुन भाई? क्यों? पहली शादी हुई, मियां गया, उसने रोमांटिक होकर बोला, डार्लिंग मुझे बेटा चाहिए, पलंग के नीचे हाथ डाला, बोले ये ले जा। को बदलो मत, तुम अपने आप को बड़ा खतरों का खिलाड़ी समझ रहे हो। खतरे का खिलाड़ी, दो दो लेके घूम रहा हूँ। वो देखो असली खतरों का खिलाड़ी, उसने गले में सांप लिया था, पता है तुम्हें? अच्छा, इनकी वजह से मैं फंसा था। आपने सांप लिया टीवी पे, इसने, मैंने बोला टाई दे, इसने सांप बांध दी मुझे। मैं बस में चढ़ा हूँ, टाई अंदर घुस रही, मैंने आज टाई अंदर क्यों जा रही है, हल्का से निकाला, टाई ही हो गए।